हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। यीशु ने कहा था, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। जैसा लिखा है यूहन्ना की पुस्तक में 3:3 में। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नरक उन लोगों के लिए है जो अनंत दंड है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जैसा मत्ती 25:46 में लिखा हुआ है। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उस समय दुष्ट लोग अनंत काल की आग में तड़पते होंगे और धर्मी जन स्वर्ग में राज्य करेंगे। इसलिए पाप करके शैतान के पीछे नहीं जाना मेरे प्रियो, वरना शैतान के पीछे पीछे आपको नरक में जाना पड़ जाएगा। देखिए, शैतान को मालूम है कि एक मसीह किस पाप में गिरता है और वह शैतान उस मसीह को उसी पाप में गिराता है। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि हमारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचन में बने रहना है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाना, यहाँ पर मत रह जाना। जैसा लिखा हुआ थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में 4:13-17 में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। पौलुस ने साफ बताया है अपनी पत्री में, मेरे प्रियो, उनके विषय में अन्य जातियों के विषय में जो सोते हैं अज्ञान ना रहे हम, क्योंकि उन्हें आशा नहीं है और हमें आशा है कि यीशु मसीह हमें लेने आएगा। और 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा, तब यीशु मसीह जो बड़ा स्वर्गदूत होगा उसको आज्ञा देगा, तुम जाओ, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है उनको बदल कर ले आओ, और जो मसीह में मर गए हैं और जो मसीह में मर चुके हैं पहले, सब पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए हमें हर घड़ी तैयार रहना है, जैसा थिस्सलुनीकियों 5:2-4 और 5:6 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है चोरी करने के लिए, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। क्योंकि हम सभी को अच्छी तरह से पता है, हम जानते हैं कि जब रात को चोर चोरी करने आता है और कोई नहीं जानता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, वैसे ही यीशु मसीह आ जाएगा। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार के नहीं हो, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि हाँ, आपको तो पता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए क्योंकि हम सभी ज्योति की संतान हैं मेरे प्रियो। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, जागते और सावधान रहें। हम अन्य जातियों के समान सोते ना रहें, परंतु जागते और सावधान रहें, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ जरूर चले जाएं। इसलिए तैयार रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आप सभी को जय मसीह की।